हमारे साथ ओम बिड़ला जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ 24 की ओर से आपको बधाई, एक बार फिर से आप लोकसभा पहुंचे। क्या इस बार उम्मीदें और क्या लक्ष्य है इस बार? उम्मीदें देश के अंदर विश्वास भरोसे की, और जो विश्वास भरोसा व्यक्त किया है 5 साल तक मोदी जी के कार्यकाल को देखा है। अब 5 साल इस विश्वास भरोसे को ओए कायम करना, उनके अपेक्षाओं आकांक्षाओं के हिसाब से काम करना, देश को बदलने का काम करना, मुझे लगता है मोदी जी इस कार्यकाल को और बेहतरीन तरीके से ठीक दिशा की ओर काम करेंगे। क्योंकि अभी 3-5 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में बहुत ज़ोरदार झटका लगा था, और वहाँ से फिर क्लीन स्वीप पूरे राजस्थान में 25-0, ये कैसे कमबैक हुआ? ये विधानसभा का चुनाव एक अलग मुद्दा था, वो राज्य सरकार का मुद्दा था, ये मुद्दा केंद्र में प्रधानमंत्री बनाने का था। और 5 साल दिल्ली की सरकार लोगों ने देखी थी, और इस सरकार के आधार पर लोगों ने फैसला किया कि प्रधानमंत्री ने बेहतरीन फैसला किया, इसलिए उन्होंने वोट दिए। एक अहम सवाल, क्योंकि आप बार बार लोकसभा सीट से जीत कर आ रहे हैं, इस बार क्या माना जाए कि ओम बिड़ला जी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में नजर आएंगे? अनुभव है नए, और ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को इस बार तवज्जो दिया जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति कार्यकर्ता है, और जो भी कार्यकर्ता वो जिम्मेदारी करता है उसको निभाता है। तो मंत्रिमंडल को लेकर कुछ आप न तो अपेक्षा है न महत्वाकांक्षा है, हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, जो जनमत हमें दिया है, जो जिम्मेदारी हमें दी है, उसको निभाने का प्रयास करेंगे। एक हट कर इससे सवाल है मेरा, ये इसलिए कि बहुत दर्दनाक कल घटना एक सूरत में देखने को मिला, 22 बच्चे वहाँ मारे गए। आप जिस क्षेत्र से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको वहाँ पे कई सारे ऐसी संस्थाएं चलती हैं, आप मानेंगे इस बात को क्या कि वहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके से बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वहाँ पे तमाम व्यवस्था है? घटना दुखद है, पीड़ादायक है, और इस घटना की दुखद और पीड़ा को देखते हुए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, इसकी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ ओम बिड़ला जी, जो कि एक बार फिर लोकसभा में जीत कर आए हैं, और उनको ये अपेक्षा है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर वो खुद को कुछ नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री पर इसकी जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। कैमरा मैन सांसिंग के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।